अजीत वैब टीवी देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। मैं गुर इकबाल सिंह खालसा अपने साथी जगदीश सिंह कंबोज नाल अज पहुंचे असी हरियाणा की दिल्ली की सरहद ते टिकरी बार्डर विखे। तो इत्थे जिवें तुहानू पता है भी पिछले काफ़ी दिनों तो किसान जथेबंदियों वालों वड्डी पद्धर ते जिहड़ा संघर्ष छेड़िया होया है। तो इत्थे साडे नाल मौजूद ने हरियाणा के जिहड़े किसान ने अखिल भारतीय किसान सभा जिन्हां दे वल्लों भी जिहड़ा पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने उन्हां नूं मोढे नाल मोढा ला के जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा समर्थन किया जा रहा है इन्हां दे वल्लों इत्थे रात नूं रहण लई जिहड़े रहण बसेरे भी बनाए ने किसानां लई ते होर भी मैडिकल सेवावां ते नाल जिहड़ा कोई जरूरत दीआं जिहड़ी चीज़ां ने उह वी इह मुहैया करवा रहे ने। साडे नाल जिहड़े मौजूद ने अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा दे सूबा सकत्तर सुमित जी उन्हां नाल गल करांगे भी किस तरह हो जिहड़ा पंजाब दे किसानां दी जिहड़ी मदद कर रहे ने। हांजी सुमित जी तुहाडा स्वागत है जी अजीत एफडीवी ते। नमस्कार जी आपका। हम लोग जो है अभी आज देख रहे हो 27 तारीख से है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे भी और अब तो अलग अलग जगह पे सभी बॉर्डरों पे जो किसान डटे हुए हैं यहाँ पे ये परमानेंट एक मोर्चा बसा हुआ है। मोर्चा नहीं हम ये कह रहे हैं एक अलग दुनिया है ये बिल्कुल अलग दुनिया जो है किसानों ने अपनी दिल्ली के चारों तरफ बसा दी है और यहाँ पे जिस तरह की भी ज़रूरत किसानों को पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों को या जो अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं उनको जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ती है उस तरह की ज़रूरतें पूरी की जाती है। मेडिकल कैंप भी है हर रोज़ यहाँ नज़दीक के गाँव से सब्जियाँ दूध खाने पीने का सामान रजाई जो भी जिस तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो है साथी गाँव से आके यहाँ पर किसानों की मदद कर रहे हैं। और ये आंदोलन असल में अपनी फसल को बचाने के लिए जो आंदोलन है ये भी आर पार का किसानों ने इसको बना रखा है और जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाते हैं किसान यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन को और तेज़ करने में लगे हुए हैं अलग अलग तरह की मददें हैं। अभी देखो आप यहाँ हमारे गुआंड से ही लकड़ियों के लकड़ जो यहाँ पे 2 ट्रेलियाँ लकड़ आ चुके हैं और भी बहुत सारे पीछे से सामान आ रहा है इस तरह का। अलग अलग जगह पे जो है लंगर चले हुए हैं ताकि जो रस्ते में किसान पंजाब के या दूर दराज के इलाकों से जो किसान पहुँच रहे हैं उनको खाने पीने की किसी तरह की कमी ना हो इस काम के लिए लगे। सुमित जी जो थोड़ा अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा में बहुत सरगर्म है किन्नी संख्या के बीच थोड़े जो किसान ने इतने शामिल हुए हैं? अलग अलग जगह पे ना सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कई मोर्चे लगे हुए हैं असल में क्योंकि अब 14-15 किलोमीटर लंबा जुलूस है यहाँ पे अलग अलग जगह पे ट्रेलियाँ किसानों की रुकी हुई हैं और वहीं पे जो है बैठ के अपना परमानेंट मोर्चा वहीं पे खाना पीना जो भी जहाँ है जैसे यहाँ पे पिलर नंबर 795 पर जाएंगे या फिर टिकरी बॉर्डर के पास जाएंगे वहाँ पे भी सभी बैठे हैं पीछे भी बैठे हैं तो अलग अलग जगह पे काफ़ी संख्या में किसान बैठे हैं। और हर रोज जो है गाँव स्तर पर भी मोर्चे लगे हुए हैं जैसे कल श्रद्धांजलि सभा का सभी गाँव में कार्यक्रम किया तो रोहतक में भी और पूरे हरियाणा में 1000 से ज़्यादा गाँव के अंदर श्रद्धांजलि सभाएँ हुई हैं कल तो ये मोर्चे इस तरह से चल रहे हैं सभी जगह। सुमित जी किसान जोड़े ने बड़ी ही जद्दोजहद कर रहे हैं जोड़े कानूनों रद्द कराने लिए पर जी सेंटर की मोदी सरकार है बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है तो कानून में रद्द करने वाले पास नहीं जा रहे किस तरह दे दो तुम इन्होंने जी? मैं केवल अड़ियल रवैया और अब तो बेशर्मी से भी कोई अगर इससे ज़्यादा कोई बुरी होती है तो उस जगह पर आ चुके हैं। और कुल मिला के क्योंकि एक ऐतिहासिक आंदोलन है दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है आज तक नहीं हुआ ऐसा इससे सरकार घबराई हुई है इसलिए उनकी जो है गिद्ध दृष्टि है इस आंदोलन को बदनाम करने की और तोड़ने की। वो ये चाहते हैं कि आंदोलन किसी तरह से टूट जाए फैल हो जाए इसलिए भी उन्होंने SYL का मुद्दा उठा दिया। उससे पहले कहने लगे कि तो पंजाब पंजाब के किसान हैं फिर बोले खालिस्तानी हैं अब SYL है तो ये ना असल में BJP ये कोशिश कर रही है जा किसी तरह से इन लोगों के अंदर ये जो एकता हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बना है इस एकता को तोड़ दिया जाए। और कल भी जो पहले भी जो 14 तारीख को जब ये जिला मुख्यालय प्रदर्शन हुए उस समय पर उसके बाद भी BJP ने हरियाणा में उपवास किए कि SYL का पानी लाओ लेकिन हरियाणा के लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि SYL कोई मुद्दा नहीं है आज मुद्दा केवल 3 कृषि कानून है इनको रद्द करवाना है और पंजाब के किसान हरियाणा के किसान बिल्कुल एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ने लग रहे हैं। और अब जो दूसरा काम है क्योंकि ये BJP RSS जो है जो आज सत्ता में मोदी बैठा है ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय पर फूट डालो राज करो की नीति की थी और आज भी खुले तौर पे उसी पर लग गए कि किसी तरह से हरियाणा और पंजाब देश के किसानों को लड़ा दें फूट डालो इनको यहाँ से भगा दो ताकि ये मांगना पूरी की जाए। पर दृढ़ संकल्प है किसान इनकी साजिशों में नहीं बटेगा एकजुट है लड़ेगा और जीतेगा। सो साढ़े नाल एक इंजीनियर ने बहुत बुद्धिजीवी ने वो भी हाजर ने उन्होंने गल करा कि भी जो केंद्र की जी मोदी सरकार है ये वड्डे घराने नूं किस तरह लाभ पहुँचाना चाहती है एक जानकारी लेने आपां नूं। हाँ जी पांडे जी थोड़ा जी वेब टीवी स्वागत है जी। हाँ नमस्कार जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो तकनीकी का इस्तेमाल है उसका एक फायदे के लिए भी किया जा सकता है नुकसान के लिए भी किया जा सकता है। आपको याद होगा 1857 के क्रांति में जो बागी सैनिक थे जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे उन्होंने कहा था ये टेलीग्राम की जो तार हैं वो हमारा गला दबाती है उससे हमारे गले दबते हम फांसी लगा रहे हैं
तो वो तकनीक उनके खिलाफ यूज की थी। आज जो साइलो बन रहे हैं अडानी के अंबानी के, ये कब्रगाह हैं किसानों की। अगर जिस दिन ये बन जाते हैं उस दिन हमारे को 100 रुपये किलो भी आटा नामुमकिन हो जाएगा मिलना। इसलिए कहता हूँ तकनीक तो अच्छी है, पर तकनीक अच्छी है इसका इस्तेमाल FCI करे, इसका इस्तेमाल सरकार करे, ताकि वो गेहूं की पैदावार है वो सुरक्षित रखे और सस्ते अनाज सस्ते दामों पे लोगों को PDS के थ्रू बांटे। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उसके ऊपर अकेला कॉपीराइट जो है वो अडानी को दे रही है। अडानी एग्रो इंफ्रा जो है वो देश में सारे साइलो बना रहे हैं। आपको पता होगा एक साइलो के अंदर 2,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ आता है। अगर इस तरह से आ गया तो जितने जिस तरह से दाल की कीमतें बढ़ी हैं, आपको पता होगा कि दाल की उपज कम नहीं हुई है। यहाँ पे दाल इकट्ठे करके अडानी ने बाहर बेच दिया, हमारे देश में कमी हुई, मुनाफा अडानी ने कमाया और जो 50 रुपये 60 रुपये किलो दाल थी वो 200 रुपये किलो हो गई। अगर ये साइलो ये कृषि कानून पास हो जाते हैं तो ये हाल हमारे आटे का हो जाएगा, यही हाल हमारे चावल का हो जाएगा, यही बाजरे का, यही मक्के का हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये जो नई तकनीक से जो अडानी अंबानी का सपोर्ट कर रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये किसानों की कब्रगाह बना रहे हैं। अब किसान समझदार हैं, वो इस तकनीक को समझ चुका है, सरकार की इस चाल को समझ चुका है, इसलिए जो ये ऐतिहासिक जमावड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक कट हुई है, वो आप टिकरी बॉर्डर पे देख लीजिए, सिंधु बॉर्डर पे देख लीजिए, चिल्ला पे देख लीजिए, या राजस्थान पे जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है वहाँ पर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है। अभी महाराष्ट्र के किसान इस में एकता के लिए अपना पैदल लॉन्ग मार्च करके चलते आ रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस देश की किसानों को जिन्होंने इस समस्या को समझ लिया है। बुद्धिजीवी नहीं समझ पाए हैं, पढ़े लिखे नहीं समझ पाए हैं, देश बिकता रहा लेकिन जब किसानों की बारी आई तो उन्होंने अपना मोर्चा लगा दिया और एकदम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। आज सत्ता के सामने, उसकी सत्ता के प्रताड़ना के खिलाफ एकजुट हो करके देश के बीच बचाने के मुहिम में लगे हुए। इसलिए मैं इंजीनियर होते हुए भी आज किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ, इनके संघर्ष में अपने को साझा कर रहा हूँ। सो सानू दसिए जो इंजीनियर रविंद्र पांडे जी ने किस तरह जी केंद्र की मोदी सरकार है ये बड़े कारपोरेट घराणियों को लाभ पहुँचाने के लिए जो है खेती कानून लेके आई है। तो साढ़े नाल इत्थे एक बहुत बुजुर्ग जिहड़े किसान ने हरियाणा के, वह भी साढ़े नाल मौजूद ने। इन्होंने भी बड़ा संघर्ष देखिया पिछे, इन्हां नाल गल करांगे भी जो पंजाब ते हरियाणा का जो संघर्ष चल रहा है किस तरह ये जो सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी, की नाम है अपना जी, किहड़ा पिंड है जी? मेरा नाम है ओम प्रकाश, गांव पाबड़ा, जिला हिसार। ठीक है। और हम इस संघर्ष में आ रहे हाँ और हिसाने के लिए पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। हम सारे ऐसे तंग करके छोड़ रखे हैं, अब मोदी ने अड़ा अड़ा कर पढ़ा, ये भी है नहीं है वो कह रहे, ये भी हमारे पे बुला के ले जाए बेच रखे ही सारे बिक्री गए। तो किसान ने तो अन्न मिलता नहीं और मिलता नहीं, खेती बाड़ी करा हाँ, गरीब अन्न पजावा हाँ, और जमींदार खेती नहीं करेगा नू बताओ खाओगे के ले हर अपना दलाल कर हर बीच में हमें जमाइशे बना रखे टोल डबर के बना रखे हम। ठीक है, अच्छा। तो चौधरी साहब जिस तरह देखो पहला पंजाब हरियाणा आपस पानी लेके बहुत इन्हों का आपस जरा चल रहा है, हूँ जिम्मे इन्हों का बहुत प्यार है, देखो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तुम किस तरह देखते हो जी? पानी क्या मारा करते बीच में आकर हरियाणा ने पंजाब पानी नहीं देगा, बीच में फूट डाल के हरियाणा की पंजाब की लड़ाई करा दी। लड़ाई कराने के बाद हमें आपस में गुर मशहूर हो गए, आज हमें एक भाईचारा किसान भी। सो देखिए तुम किस तरह जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान ने वो डटे हुए ने, साढ़े ना एक होर किसान हाजिर ने, इन्होंने गल करांगे। हाँ जी भाई साहब, किस तरह दे दो खेती कानून उन्होंने जी? खेती कानून अज किसान की मौत नज़र आ रही है। किसान का सीधा जोड़ा नाता है वह जमीन के नाल जुड़िया होया, ये जमीन तो बगैर जिंदा नहीं रह सकता। साढ़े 85-85, 90-90 साल के बुजुर्ग देखो जिन्हों को पैरों तो चलिया नहीं जाता और चल के इतों तक आए है, वो क्यों आए हैं उन्होंने देख रहा है कि साड़ी आने वाली पीढ़िया की जिहड़ी रोटी जा रही है। मेरा मोदी जी तो एक सवाल है, अगर तेनू इन्नी ही दुनिया साढ़े किसान की चिंता है दी आमदन तू 2022 दुगुनी करनी है, तू ऑर्गेनिक खेती की गल करदा, मैं एक अनपढ़ बंदा हाँ, मेरे नाल तुसी चार सवाल सांझे करो। ऑर्गेनिक की गल कर दौ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कह के तुसी आए से असी लागू करांगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कह रही है कि किसान एक बारी कर्ज मुक्त करो, ठीक है, कर्ज मुक्त करके दोबारा 4 रुपये सैकड़ा 100 का ब्याज होवे नूं दोबारा दोगे तो तुसीं इस खेती नूं बहाल कर सकते हो। जदों कि मोदी जी नूं तां अडानी ते अंबानी दी पई है, पता नहीं उन्हां दा किन्ना कु वड्डा ढिड्ड है, साढ़े तो कोई समझ नहीं आ रही। साढ़े विच लोग भुख नाल मर रहे हैं, अज जिन्ने भी साढ़े शहीद है
ताडे चैनल के माध्यम तो मैं उन्होंने सलाम करदा हाँ। सानू अगली चिंता सता रही है, असी घरों साढ़े फोन आते हैं कि कदों आओगे, असी कह रहे हैं कि या तो जित के आवेंगे नहीं तो नहीं आवेंगे। असी आपदे ट्रैक्टर ट्रालियां अपने घर बना के लेके आए हैं, नाल आपदा पूरा बिस्तर सानू इत्थे, असी कुछ नहीं घरों लेके आए, असी अन्न पानी कोई भी चीज़ नहीं लैके आए। साढ़े जिहड़ी किसी साथी के मूँह दवाई बूटी खाना निकलता है, ये साढ़े सेवादार साड़ी दादी है, ये साढ़े सेवादार ने, साडे जिहड़ी भी चीज़ सानू जरूरत है सानू हाजिर हुंदी है। इत्थे धरती के उत्ते अज एक एड्डा वड्डा भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, जिन्हां नू लख लड़ाउण की कोशिश की, पिंडां दे विच भी देखो तुसीं किते ना किते लोक लड़दे नज़र आउंदे है, पर इन्ना वड्डा अंदोलन है। असीं लोगों नू मिले हाँ बहादुरगढ़ के बस स्टैंड से, असीं मिले हाँ लोगों नू, पुछया भी तुहानू कोई दिक्कत तां नहीं, उह कहिंदे नहीं जी असीं बड़े खुश हाँ। तो मोदी जी नू मैं आग्रह करदा हाँ कि अजे अज भी तेरियां अखां अगर खुल जाण, तू इस हिंदुस्तान का हीरो बनना चाहुंदा है तां लोगों के विच आके माफ़ी मंग और तेरे तिन्ने कानून रद्द कर। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सो तुसीं सुनिया भी जिहड़े किसान ने हरियाणा पंजाब के पूरी तरह एकजुट ने, तो इन्हां दी जिहड़ी आपसी भाईचारक सांझ है पूरी तरह मजबूत है। सो ये जिहड़े केंद्र सरकार वल्लों जिहड़े खेती कानून ने इन्हों रद्द करा के जिहड़ा ये दम लैणगे। सो तुसीं देश दुनिया ताज़ा खबरें देखने के लिए बने रहो अजीत एफ टीवी के नाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।